श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 जून को है मासिक शिवरात्रि और साथ में हम सभी के प्रिय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन भी है, प्राकट्य उत्सव भी है। तो 16 जून को गुरुजी का जन्म हुआ था। गुरुजी के बारे में कुछ विशेष जानकारी है जो आपको इस वीडियो में गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर जानने को मिलेगी कि उनका विवाह कब हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ का है, उनके कितने पुत्र हैं और गुरुजी के जो गुरुजी है, और हाँ साथ में गुरुजी की जो विट्ठल सेवा समिति है उसका नाम कहाँ से पड़ा है। तो यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में मासिक शिवरात्रि पर गुरुजी द्वारा बताए गए महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा के नए उपाय जो आपने अभी तक नहीं किए हैं वह उपाय आप मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में आप लोगों से आज दिल से रिक्वेस्ट है, दिल से चाहती हूँ मैं कि गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर कमेंट करके गुरुजी को बधाइयाँ अवश्य दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पूज्य गुरुदेव जी के कुछ रोचक बातें। राष्ट्रीय कथावाचक संत शिरोमणि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 16 जून 1977 को जन्म स्थान सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ। गुरु जी ने अपने जीवन काल में कई श्रीमद् भागवत कथाएं, शिव महापुराण कथा, रामायण, नानी बाई के मामरे की कथा भी की है। गुरु जी की जो समिति है विट्ठल सेवा समिति, उसका नामकरण गुरु जी के गुरुदेव श्री विट्ठलेश जी महाराज, जो कि इंदौर में उनका आश्रम है, उनके नाम के आधार पर विट्ठलेश सेवा समिति का नामकरण किया गया है। गुरु जी की लोकप्रियता जो है सबसे ज़्यादा अधिक लॉकडाउन में कोरोना काल से बढ़ी है। उस समय लोग बहुत परेशान थे, लोगों बहुत माइंड से डिस्टर्ब थे, परेशान थे। उन्होंने शिव महापुराण कथा गुरु जी के मुखारविंद से सुनी और साथ में गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय भी करे जिससे लोगों को फ़ायदा मिला और सब लोगों के लिए प्रिय गुरु जी होते गए। गुरु जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गुरु जी का नाम दर्ज है। गुरु जी के पिताजी का नाम रामेश्वर दयाल मिश्रा है। उनकी माता जी का नाम श्रीमती सीता मिश्रा है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह उनकी माता जी है। साथ में गुरु जी की धर्म पत्नी भी है जो आप फोटो देख रहे हैं। गुरु जी के दो भाई हैं जिनका नाम है विनय मिश्रा, दीपक मिश्रा। गुरु जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम है राघव मिश्रा और एक है माधव मिश्रा। गुरु जी अपने जीवन काल में एक शिक्षक भी रह चुके हैं और उनके विद्यार्थी अभी सरकारी नौकरी व अन्य क्षेत्रों में संमग्न हैं। गुरु जी ने अपनी कथा की शुरुआत लगभग 20 वर्ष पहले, सबसे पहली कथा अग्रवाल परिवार में भोजन बनाने वाली महिला के संकट को दूर करने के लिए सुनाई थी। इस कथा में महाराज जी ने केवल 51 रुपये दक्षिणा प्राप्त हुई थी। इस कथा में वे गिनती का एक स्रोता भी रहे थे। इसके बाद बड़े बड़े शहरों के साथ साथ गांव में भी गुरु जी का कथा होने लगी और गुरु जी का आज आप लोग को जानते सबसे लोकप्रिय बन चुके हैं गुरु जी। अब आगे आप लोगों को मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले विशेष उपाय की जानकारी मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते। क्षमा चाहती हूँ आगे आपका समय, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि दीदी ने स्टार्टिंग में बहुत समय ले लिया है तो सॉरी। पहला उपाय, यह उपाय एकदम नया उपाय है, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं या फिर आप सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर भी कर सकते हो। इस उपाय को कर लेने से गुरु जी ने बताया है तरक्की नहीं हो रही है जीवन में, नौकरी नहीं लग पा रही है, बार बार फेल हो रहे हैं, तरक्की उन्नति की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, या फिर हमारा मस्तिष्क ऐसा हो गया है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें क्या ना करें, हमें बहुत सोचना पड़ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, या हमारा खुद का विवाह नहीं हो रहा है, या फिर हमारी खुद की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है। तो गुरु जी ने यह उपाय बताया, इस उपाय को कर लेने मात्र से आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है दो बेलपत्री, जी हाँ दो बेलपत्री और एक लोटा जल। अब आप जाएंगे शिवालय, शिवालय पहुंचकर जलाधारी में जहाँ से जल बह के जाता है उसके ऑपोजिट दिशा में बैठना है। यहाँ बैठकर आपको क्या करना है,
सबसे पहले एक बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब बेलपत्री समर्पित करोगे, डंडी का भाग महादेव की ओर करना, पत्ती का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना। आप वीडियो में देखिए, सेम ऐसी आपको बेलपत्री समर्पित करना है और एक बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित करोगे, तब डंडी का भाग माँ अशोक सुंदरी की तरफ करना, पत्ती का भाग अपनी ओर करना, यानी आप जहाँ बैठोगे अपने से विपरीत डंडी का भाग होगा। तब ऐसे समर्पित करोगे तो डंडी डंडी दोनों बेलपत्री की एक ही दिशा में हो जाएगी, आपको वीडियो में दिख रहा है। चढ़ाने के बाद जो एक लोटा जल लेके गए हैं, उस एक लोटे जल को महादेव की सबसे छोटी पुत्री, यानी सबसे पहले जो बेलपत्री समर्पित की थी आपने, सबसे पहली वाली बेलपत्री से जल चढ़ाते जाना है और शिवलिंग के ऊपर तक चढ़ाना है। आप वीडियो में देखिए, अशोक सुंदरी के साथ समर्पित करते हुए आएंगे और पूरा की पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए। उपाय करते ही आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा यह कार्य होने वाला है। आपका मस्तिष्क अच्छा होगा, माइंड फ्रेश होगा, साथ में आपके जो भी मनोकामना से इस उपाय को किया है, आपकी वह मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी ही होगी। दूसरा उपाय, यह भी सेम आपकी मनोकामना के लिए है। गुरुजी ने महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में बताया है, इस उपाय को कर लेने से भी आपके जीवन की सारी समस्याएं, उलझने, कष्ट दूर होंगे और जिस मनोरथ से इस उपाय को करते हैं वह मनोरथ आपका पूरा होगा ही होगा। सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नया मकान तक नहीं खरीद पा रहे। हम सोचते रहे नया मकान खरीद ले, पर नहीं ले पाते। नई गाड़ी खरीद ले, बस प्लानिंग तो अच्छी कर लेते, पर वह कार्य सक्सेस नहीं हो पाता है हमारा। तो कार्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कार्य सफलता के लिए इस उपाय को करना। क्या करोगे, एक कटोरी में आपको लेना है देसी गाय का दूध। एक कटोरी दूध नहीं मिल पाए, कोई जरूरत नहीं, एक चम्मच दूध मिल जाए वह भी बहुत है। वह दूध लेंगे, साथ में लेंगे एक बेलपत्री। अब आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर अब आप क्या करेंगे, शिवालय पहुंचकर बेलपत्री को दूध में डुबाएंगे, यानी बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती को दूध में डुबाएंगे, डुबाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। या फिर समर्पित कर दें, एक एक बार बेलपत्री डुबाए पत्ती को, फिर निकाले, फिर शिवलिंग पर समर्पित करें, फिर डुबाए, फिर शिवलिंग पर समर्पित करें, ऐसा कर ले। या फिर बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ऐसे खड़ी रख ले और दूध की धारा समर्पित करती जाए, यानी बेलपत्री वाला दूध आपको महादेव को समर्पित करना है। इस बेलपत्री वाले दूध को समर्पित करने का आपका जो उपाय है वह मासिक शिवरात्रि में, या फिर महाशिवरात्रि की दिन, या फिर सोमवार की अष्टमी जो कि 26 जून को आने वाली है, उस दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हो। बहुत अच्छा उपाय और एकदम नया उपाय, गुरुजी ने पहली कथाओं में कभी नहीं बताया इस उपाय को। दोनों उपाय एकदम नए हैं, आप जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय भी आप मासिक शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है दो बेलपत्री, एक लोटा जल। जाएंगे महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर एक बेलपत्री जहाँ से जल बह के जाता है माँ अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ा नीचे समर्पित करेंगे। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना। एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। एक लोटा जल है, उस लोटे जल के आपको 10 भाग करना है। कितने भाग? 10 भाग। कैसे करोगे, सबसे पहली बेलपत्री चढ़ाई है आपने, वहां पर 5 बूंद जल समर्पित करना। एक, रुक जाएंगे, दो, फिर रुकेंगे, तीन, फिर रुकेंगे, चार, फिर रुकेंगे, 5। बचा हुआ जल लोटे में ही रहेगा, फिर 5 बूंद जल आपको वापस से शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्री चढ़ाई थी ना आपने, उस पर समर्पित करना। 1, 2, 3, 4 पांचवी बार में पूरा की पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। देखिए, यह सब उपाय सर्व कामना पूर्ति के लिए, कोई भी दिल की कामना है जो पूरी नहीं हो रही है अवश्य कीजिएगा। मासिक शिवरात्रि है, आषाढ़ की शिवरात्रि है, मौका मत गवाइएगा। महादेव चाहेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी, कम से कम समय पूरी होगी
होगी। देर हो रही है पर अध्ययन नहीं होगी। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कमेंट में अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।